नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको वरुण मुद्रा के बारे में। ये मुद्रा करने की विधि क्या है, उसके चिकित्सालय उपयोग क्या है आपके लिए, और ये करते समय सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए मैं बताने वाली हूँ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करिएगा, और आगे भी मेरे जो मुद्राओं के ऊपर और ज्योतिष के ऊपर वीडियो आने वाले हैं उसका ज़रूर लाभ लीजिएगा। तो वरुण मुद्रा करने की विधि ये है कि पद्मासन या सुखासन, ये दोनों में आप बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है एवं दोनों हाथ घुटने पर रखने हैं। सबसे जो छोटी उंगली है, कनिष्ठा जो उंगली है, उस कनिष्ठा उंगली के ऊपर वाले पोर को अंगूठे की ऊपरी पोर से स्पर्श करते हुए हल्का सा दबाना है। ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा दबाना है, और बाकी जो तीनों उंगलियां है उसे आपको सीधे रखना है। ये करते वक्त आपको सावधानी ये बरतनी है, जिन व्यक्तियों को कफ प्रकृति है उनकी, जिनको हमेशा सर्दी रहती है, जुकाम बना रहता है, उन्हें वरुण मुद्रा का अभ्यास अधिक समय तक नहीं करना है, क्योंकि इसके वजह से शरीर में क्या बोलते हैं उसे, ठंडापन बढ़ता है। इसके वजह से सामान्य व्यक्तियों को भी सर्दी के मौसम में वरुण मुद्रा का अभ्यास अधिक समय तक नहीं करना है। गर्मी के मौसम में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये मुद्रा करने का सही वक्त है प्रातः काल 24 मिनट आप कर सकते हैं, और सायंकाल 24 मिनट। ऐसे दो टाइम आप ये मुद्रा कर सकते हैं। और मुद्रा करने के समय प्रातः काल और सायंकाल, जैसे मैंने बताया, आप 24 24 मिनट अधिकतम इतना कर सकते हैं, वो उत्तम है। वैसे यह मुद्रा किसी भी समय की जा सकती है। तो इसके वजह से लाभ ये होता है आपको, वरुण मुद्रा के वजह से शरीर में जल तत्व संतुलित हो रहता है। जल की कमी से होने वाले जो कोई रोग है, जो समस्त रोग है, वो नष्ट हो जाते हैं। वरुण मुद्रा स्नायुओं के दर्द, आंतों की सूजन, ये सब में लाभकारी है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर की अत्यधिक पसीना आना समाप्त हो जाता है। वरुण मुद्रा के नियमित अभ्यास से रक्त शुद्ध होता है एवं त्वचा रोग, शरीर का रूखापन, ये सब नष्ट हो जाता है। यह मुद्रा शरीर के यौवन को बनाए रखती है, जिसके वजह से लचीला बनाने में भी ये बहुत लाभप्रद होता है। ये वरुण मुद्रा करने से अत्यधिक प्यास जो लगती है वो शांत हो जाती है। तो अवश्य ये मुद्रा करके देखिए। जल तत्व यानी कि कनिष्ठा, जो हमारी छोटी उंगली है, और अग्नि तत्व यानी कि अंगूठा, ये दोनों एक साथ मिलाने के वजह से शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता है, जिससे साधक को कार्यों में निरंतर का संचार होता रहता है। तो ये थी हमारी वरुण मुद्रा, अवश्य करके देखिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।